प्रशासन द्वारा सदर तहसील रोड पर अंडरपास बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसकी पूरा होने की अंतिम तिथि 17 जनवरी तय की गई थी, लेकिन अभी तक अंडरपास का कार्य पूरा नहीं हो सका है। वहीं अंडरपास पूरा न होने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही अंडरपास के लिए बनाई गई दीवारों से लोगों के रोजगार में भी कमी आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा अंडरपास का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। परेशानी बहुत रहेगी, बहुत परेशानी रहेगी इससे। पानी भर जाकर रहेगा यहाँ पर, निकलने परेशानी, पैदल वालों को परेशानी, गाड़ी वालों को तो अलग से रहेगी, पैदल वालों को निकल नहीं कर पाएगा। बगल से नाला भी है क्या, उसमें पानी? नाला नहीं, नहीं पास नहीं है अभी, नाले में पास नहीं पानी अभी। ये है कि ये पुल रोड गहरा हो जाने से एक तो रोड में पानी भरेगा, दूसरी समस्या एक ये है कि पुल के दोनों तरफ रास्ताएं हैं और दोनों रास्ता बंद कर रहे हैं, दुकानें हैं, दुकानों के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। बाउंड्री हो जाने से आम पब्लिक को दिक्कत पड़ेगी और दुकानदारों को सामान लाने ले जाने में दिक्कत पड़ेगी। इसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सा विचार करना चाहिए।